नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आलोक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नेटवर्क नर्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप पहला वीडियो इंस्टॉलेशन ऑफ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 देख चुके हैं और इस वीडियो को देखकर खुश तो बहुत हो गए तुम। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट काम है जो एक हर सिस एडमिन को दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए और ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसे है। जैसे आपके पास विंडोज में सी ड्राइव होता है, यूजर्स फोल्डर होता है, प्रोग्राम फाइल्स होता है, तो इस तरीके से लिनक्स का फाइल सिस्टम जो है क्या है और कौन से डायरेक्टरी में या विंडोज से अगर आप मूव कर रहे हैं तो कौन से फोल्डर में क्या चीज रखी है, तो इस चीज को हम ध्यान देंगे। पहली चीज, लिनक्स का फाइल सिस्टम जो है, हम इसको फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, FHS स्टैंडर्ड बोलते हैं, और ये स्टार्ट होता है रूट से। देखिए ये मेरा कर्सर है, अगर मैं रूट पे जाता हूं, रूट, इसको रूट बोलते हैं, जो आपका विंडोज में सी ड्राइव है ये यहां पे रूट है, तो ये मेरा टॉप है, मेरा फाइल सिस्टम रूट से स्टार्ट होगा। और हमें कुछ जो जरूरी या महत्वपूर्ण जो डायरेक्टरीज हैं या जो फोल्डर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या जाता है। तो अगर मैं ls कमांड से कंटेंट्स देखता हूं कि हमारे पास क्या क्या है, तो कुछ डायरेक्टरीज आपको दिख रही हैं, bin दिख रही है आपको, कंटेंट, etc, etc नहीं बोलते हैं, etc बोलते हैं, etc है, lib है, मीडिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डायरेक्टरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए लिनक्स में जो फाइल सिस्टम डायरेक्टरी है, जो भी हमारे पास डायरेक्टरीज हैं जितनी आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रही हैं, उसमें नॉर्मली चार तरीके के कंटेंट्स जाते हैं। एक तो होते हैं स्टैटिक कंटेंट। तो स्टैटिक कंटेंट का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक कंटेंट का मतलब हुआ कि उस डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट है वो फिक्स रहेगा, मतलब अनलेस अनटिल, अगर आप ही चेंज नहीं करते तब की बात अलग है, वरना वो उस डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे अपने आप। कुछ स्टैटिक कंटेंट्स होते हैं, कुछ डायरेक्टरीज होती हैं जिनमें डायनामिक कंटेंट्स आते हैं, डायनामिक कंटेंट्स आते हैं, डायनामिक बोल दीजिए या वेरिएबल बोल दीजिए, वेरिएबल क्यों, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, डायनामिक या वेरिएबल कंटेंट्स, मतलब इन डायरेक्टरीज के अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो अपने आप आ जाएंगे और अपने आप चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, लॉग फाइल, लॉग फाइल में कंटेंट्स अपने आप बनते रहते हैं, हम नहीं बनाते, जो जो एप्लीकेशन आप काम कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन काम कर रही है तो वो अपनी लॉग फाइल में अपने आप एंट्री करती रहती है, तो हम नहीं कर रहे, ये सब अपने आप हो रहा है। तो कुछ डायनामिक कंटेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास परसिस्टेंट कंटेंट्स होते हैं, परसिस्टेंट मतलब होता है रीबूट के बाद भी रहेगा, हटेगा नहीं, परसिस्टेंट कंटेंट्स, कुछ परसिस्टेंट कंटेंट्स होते हैं, जैसे मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, अब जैसे etc फोल्डर है, etc के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन जाती हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे आईपी एड्रेस से लेके आपने DNS तक बनाया, कुछ भी बनाया, सब कुछ आपका होस्ट नेम से लेके आईपी एड्रेस और बड़े बड़े सर्वर्स भी अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन etc और उसके अंदर सब डायरेक्टरीज में जाएंगी, तो वो हमारे परसिस्टेंट हो गए, रिबूट के बाद भी सेम रहेगा। कुछ हमारे पास कंटेंट्स होते हैं जो रन टाइम कंटेंट्स होते हैं, रन टाइम मतलब कि मशीन के चलते वक्त वो आएंगे और कुछ चीजें अगर चेंज हो गई तो वो अपने आप बदल जाएंगे, जैसे आप प्रोसेस चला रहे हैं कोई, तो वो सब रन टाइम कंटेंट्स हैं। तो ये मेजर चार कैटेगरीज में हमारे डायरेक्टरीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास डायरेक्टरी है वो अगर हम यहां पे ll करते हैं, सॉरी, या आपके पास bin आ रही है, bin मतलब बाइनरी, जितनी आपकी नॉर्मल कमांड्स हैं
वो कमांड्स जो कोई भी यूजर एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे ls कमांड है, देखिए जरा ls कमांड है, ls कमांड कोई भी रन कर सकता है, इसके लिए रूट होना जरूरी नहीं है। कोई क्यों, बिन में क्या जाएगा, बिन में वो कमांड्स जा रही हैं, बिन हो गया या usr bin, ये देखिए ये इसका एक लिंक है, मतलब या तो बिन या usr bin, इनमें वो फाइल्स होती हैं, वो बाइनरी, बिन मतलब बाइनरी, तो बिन में वो फाइल्स होती हैं जो डेंजरस कमांड नहीं है, खतरनाक कमांड नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने से मशीन पे बम नहीं फटने वाला। जैसे एक छोटी सी कमांड है ls कमांड, ls कमांड कोई खतरनाक कमांड नहीं है, कैल कमांड, कैलेंडर देख रहा हूं, ये कोई खतरनाक कमांड नहीं है, ये नॉर्मल यूजर भी रन कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर्वर के स्टेटस पे। तो अगर मैं चेक करता हूं वेयर इज कैल करके, किसी भी बाइनरी का आप लोकेशन पता कर सकते हैं वेयर इज कमांड से, कि भाई ये बाइनरी कहां है, वेयर इज, देखिए कितना आसान है लिनक्स, सिंपल इंग्लिश लिखा है वेयर इज, कहां हो भैया। तो हमने पूछा मशीन से कैल भैया कहां हो, ध्यान रखिएगा ऐसी आवाज नहीं आएगी आपके पास। तो ये आउटपुट हमें दे रहा है कि यूएसआर बिन में है, क्योंकि कैल कोई डेंजरस कमांड नहीं है। तो जो भी नॉर्मल बाइनरीज हैं वो आपका बिन में जाएगी या यूएसआर बिन में। दूसरा, अच्छा ये आपका बिन है, मतलब ये इसमें आपके सॉफ्टवेयर चले गए, आपकी लाइब्रेरीज चली गई, ऐसे एप्लीकेशन जो आप रन करेंगे आप उनको चेंज नहीं करेंगे, वो नॉर्मली आपका यूएसआर बिन या बिन में जाएगा। दूसरा आपका बूट है, तो बूट के अंदर आपका कर्नल जाता है। अगर मैं बूट के अंदर मूव करता हूं, तो अगर मैं एलएल करता हूं यहां पे, तो एक तो मेरा कर्नल जाएगा, यहां पर बूटिंग की फाइल्स जाएंगी, मेरा ग्रब, मेरा बूट लोडर, अभी इतना ज्यादा डिटेल में मत जाइए, बस इतना जान लीजिए बूटिंग से रिलेटेड जो भी कुछ फाइल्स हैं मेरे पास, कुछ बाइनरीज हैं, जो भी है वो मेरा बूट के अंदर जाएगा। वापस देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट है, डेव, ये कंटेंट मैंने खुद बनाया है, इसको छोड़ दीजिएगा। डेव में आपका डिवाइसेस जाएंगी, जैसे आपने कोई प्रिंटर लगा दिया है, आपका कोई यूएसबी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल लैन कार्ड कनेक्टेड है, सब आपका डेव में जाएगा। एटसी, एटसी के अंदर आपकी कन्फिग्रेशन जाएंगी, मशीन की कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एटसी का बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एटसी के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन जाएंगी, आपका होस्ट नेम से लेके आईपी एड्रेस तक, मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं अगर यहां होस्ट नेम कमांड लिखता हूं तो ये आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है एटसी के अंदर होस्ट नेम से, ये देखिए इस फाइल से उठ के मेरा होस्ट नेम आता है, सेम। सो एटसी कंटेन्स माई कॉन्फ़िगरेशंस, तो आपका आईपी एड्रेस से लेके आपने डीएनएस सर्वर और वेब सर्वर कुछ भी बनाया, तो ये स्टैटिक कंटेंट्स हैं और परसिस्टेंट भी हैं, अनलेस एंड अंटिल आप चेंज नहीं करेंगे वो खुद चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास होम डायरेक्टरी आती है, होम डायरेक्टरी को आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे विंडोज में आपके पास सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर होता है, जितने यूजर आप बनाएंगे सबकी फाइल, सबकी होम डायरेक्टरीज होम के अंदर जाएंगी। तो जरा एक बार होम के अंदर चल के देखते हैं क्या हमने कौन कौन से यूजर बना रखे हैं। सो हमने ये जय यूजर बना रखा है, कियोस्क है, रोशन है, सचिन है, तो ये यूजर हमारे बने हुए हैं। तो अब सचिन की जो फाइल्स हैं वो सचिन के फोल्डर में है, रोशन की फाइल रोशन के में, कियोस्क की कियोस्क और जय की जय। तो इतना याद रखें यूजर्स की होम डायरेक्टरीज जो हैं वो हमारी होम के अंदर जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, अब जैसे लिब आ रहा है या आपका लिब 64 है, तो लिब और लिब 64 के अंदर हमारा शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो जारी हैं। मीडिया के अंदर आपका एक्सटर्नल मीडिया आ जाएगा, एमएनटी अभी छोड़ दीजिए, प्रॉक इंपॉर्टेंट है भाई, प्रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक आपका रन टाइम फाइल सिस्टम है, ये कर्नल के यूज के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप कोई प्रोसेस चलाएंगे, आप कोई एप्लीकेशन चलाएंगे तो उसकी जानकारी प्रॉक के अंदर आ जाएगी, आप वो हटा देंगे वो एप्लीकेशन आप बंद कर देंगे तो प्रॉक में से हट जाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए जैसे मैंने एक एप्लीकेशन चला दिया, मान लीजिए जी एडिट नाम से एक एप्लीकेशन मैंने चला दिया, जी एडिट समझ लीजिए आपका विंडोज का नोटपैड है, ये रहा चल गया। तो अभी कमांड्स की डिटेल में मत जाइएगा, अभी मैंने अगर एक एप्लीकेशन चलाया है तो ये एक प्रोसेस हो गया है ना, क्योंकि ये मेरा सीपीयू खा रहा है, मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो ये मेरा प्रोसेस हो गया। तो मैं एक कमांड से इसका प्रोसेस आईडी देख सकता हूं, मैंने कहा जी पी आई डी ऑफ जी एडिट,
जब भी कोई प्रोसेस मशीन में चलेगा उसको एक नंबर असाइन होता है, उसको पीआईडी बोलते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो पीआईडी है ये हमारा किसके लिए हो गया, ये जो पीआईडी है ये मेरा जी एडिट के लिए हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए तो ये जी एडिट है पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको ये नंबर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस नंबर से जानता है। कैसे चेक करें, अभी अगर मैं प्रॉप के अंदर जाता हूं और प्रॉप के अंदर अगर मैं सीडी करता हूं 36078 तो इस नाम से फोल्डर बन जाएगा। और इस जी एडिट की पूरी कहानी, ये प्रोसेस कितना सीपीयू खा रहा है, कितना मेमोरी खा रहा है, इसका ओम किलर स्कोर क्या है, बहुत कुछ है, छोड़ दीजिए, हर एक फोल्डर की हर एक प्रोसेस की के लिए एक फोल्डर बनेगा और उस प्रोसेस की पूरी कहानी उस फोल्डर के अंदर होगी। और जैसे ही मैं जी एडिट बंद करता हूं, अब मैं जी एडिट बंद कर देता हूं, मैं यहां पर गया और मैंने जी एडिट को बंद कर दिया, ये मैंने इन भाई साहब को बंद कर दिया, जी एडिट को बंद कर दिया। तो अभी ये जो एंट्री है, अभी अगर मैं फिर से करता हूं सीडी प्रॉक के अंदर 36078 तो ये मना कर देगा, ऐसा कोई फोल्डर नहीं है। क्यों, ये रन टाइम था भाई, जब प्रोसेस चल रहा था, जब जब तक था, जब प्रोसेस नहीं था तो बाय बाय। तो इस तरीके से ये काम होता है। मैं इसको हटा देता हूं, ये अननेसेसरी हमें तंग करेगा। तो हमको प्रॉक पता पड़ गया, रूट जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, रूट जैसे विंडोज में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर नाम से अकाउंट होता है। अब देखिए काफी लोग बोलते हैं साहब कि लिनक्स सिक्योर क्यों है, आपने सुना होगा कि भाई लिनक्स में वायरस नहीं आता, हैंग नहीं होता, हैक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हैंग होता है, हैक होता है, सब कुछ होता है। कोई भी चीज अभी तक तो इस दुनिया में 100% सिक्योर नहीं है, कोई फूल प्रूफ सिस्टम अभी तक तो बना नहीं, आगे बन जाएगा तो मुझे पता नहीं। तो विंडोज में एक डिजाइन फ्लॉ है, विंडो में डिजाइन फ्लॉ क्या है इसको समझिएगा जरा, कि आपने विंडो में देखा होगा आपके पास एक यूजर्स नाम से फोल्डर होता है। अब इस यूजर्स नाम का जो फोल्डर है, ये जो यूजर्स नाम से फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर मेरे नॉर्मल यूजर्स की डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक बात है, अगर मैं आलोक नाम से एक यूजर बनाता हूं विंडोज में तो सी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक यूजर्स फोल्डर बन जाएगा और इस यूजर्स फोल्डर में एक आलोक नाम का फोल्डर बन जाएगा। ये आलोक का फोल्डर बन गया। मैंने एक और फोल्डर बनाया किसी और नाम से, यूजर बनाया से रवि के नाम से, तो रवि का ये एक फोल्डर बन गया और आलोक की फाइल है इसके फोल्डर के अंदर और रवि की फाइल है इसके फोल्डर में के अंदर। और विंडोज में ये एक डिजाइन फ्लॉ है कि जो रूट नाम का व्यक्ति है, एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर का फोल्डर भी, एडमिनिस्ट्रेटर की होम डायरेक्टरी भी सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में होती है। आप इस बात से सहमत होंगे। अब ये डिजाइन फ्लॉ है, क्यों है डिजाइन फ्लॉ भाई, ऐसा समझिए ना, ये एक कमरा है, उसी कमरे में नॉर्मल एम्प्लॉई भी बैठ के काम कर रहा है और बॉस भी बैठ के काम कर रहा है। क्या ये ठीक है कि आपका बॉस आपके साथ बैठ के काम करता है, या बॉस का केबिन अलग होता है, उसका रूम अलग होता है? बताइए भाई, बॉस का केबिन अलग होता है क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो नॉर्मल एम्प्लॉई को शायद नहीं पता पड़ना चाहिए, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो विंडोज में इसका कोई हमारे पास प्रावधान नहीं है, विंडोज इस तरीके से ही काम करता है, पर लिनक्स में ऐसा नहीं है भाई। लिनक्स में क्या है समझिए, ये मेरा रूट है, रूट के अंदर एक मेरा होम नाम से फोल्डर था, है ना। तो होम के अंदर तो जितने मेरे नॉर्मल यूजर्स हैं उनकी डायरेक्टरीज बन रही हैं, आलोक नाम का यूजर है तो होम के अंदर आलोक बन गया यहां पर, है ना, रवि बनाया तो यहां पर इसी के अंदर एक रवि बन गया, इस तरीके से बन गए। पर रूट में एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न है, रूट में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका नाम रूट होता है, सबसे पहली चीज, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, उसकी होम डायरेक्टरी ही अलग कर दी गई भाई, रूट का कमरा ही अलग है, तो रूट का जो प्रोफाइल है वो अलग है। तो नॉर्मल एम्प्लॉई का कमरा ये वाला है, आप जाइए साहब इस कमरे में जाके बैठिए, पर ठीक है नॉर्मल एम्प्लॉई यहां पे जाएगा अपना काम करेगा, पर जो रूट है उसका कमरा ही अलग है, वो यहां से चल के आएगा और यहां बैठ के काम करेगा। तो ये एक अच्छा डिजाइन है रादर देन दिस, ये गलत है मेरे हिसाब से, सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में गलत है। तो रूट जो है वो आपका
जो एडमिन है उसका प्रोफाइल सारा स्टोर करता है रूट। रन के बारे में मैंने आपको पहले बोला, ये रन टाइम है, ये जो रन है, रन भी आपका रन टाइम है। एट द टाइम ऑफ जब आपकी मशीन जो है चल रही है, तो बहुत सारे प्रोसेस स्टार्ट होते होंगे, काफी सारे प्रोसेस बंद होते होंगे, तो ऑटोमेटिकली उन प्रोसेसेस की डायरेक्टरीज या फाइल्स अपने आप रन के अंदर बनती हैं, वो रन है। सेल्स डेटा को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये मैंने अपना बनाया था। एसबिन के बारे में जानते हैं कि एसबिन क्या है। इससे पहले जरा ये जो हमने कलाकारी की है इसको हम हटा देते हैं सारा, है ना, ये अच्छा रहेगा। वी शुड रिमूव दिस, ये जो बेहतरीन ड्राइंग थी इसको हटा देना चाहिए, या ऐसे कर दो वो ज़्यादा अच्छा है फटाफट। हाँ, तो बहुत साल पहले ऐसी कलाकारियाँ गुफाओं में मिलती थी, फिर मिलनी बंद हो गई क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया। कितनी ज्ञान भरी बात करी है मैंने। काफ़ी लोग देखिए, पता क्या है, फ़न बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी, खास तौर से जो लिनक्स एडमिन है उनकी ज़िंदगी काली सफ़ेद है बस, ये कर्सर के सिवा हमें कुछ दिखता तो है नहीं। सर्वर भी लेंगे तो रिमोट एक्सेस लेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हंसते रहें। चलिए, अगला जो फोल्डर हमारे सामने आता है वो एसबिन। एसबिन मतलब सिस एडमिन बाइनरी। जो डेंजरस कमांड्स हैं जो सिर्फ रूट नाम का व्यक्ति ही एग्जीक्यूट करना चाहिए वो एसबिन में होंगी। जैसे पार्टीशन कर दो, फॉर्मेट कर दिया, फाइल सिस्टम क्रिएट कर दिया, ये डेंजरस कमांड है भाई। ये कमांड नॉर्मल यूजर को नहीं मिलनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं एक पार्टीशन बनाने की हमारे पास कमांड है एफ डिस्क, तो अगर मैं वेयर इज एफ डिस्क करता हूं तो वो क्लियरली बताता है ये यूएसआर एसबिन में है, बिन में नहीं है, समझिएगा, बिन में नहीं है। तो एसबिन या यूएसआर बिन एक ही बात है। तो जो डेंजरस कमांड्स हैं वो एसबिन में जाएंगी, और एसबिन के अंदर खाली रूट नाम का जो व्यक्ति है वही एक्सेस कर सकता है। नॉर्मल एम्प्लॉई एसबिन में अंदर रखी हुई किसी भी कमांड को रन नहीं कर सकता। मैं दिखाता हूं आपको करके, अगर मैं यहां पे सचिन से लॉगिन कर देता हूं, मेरे पास एक यूजर था और वो अगर ये कमांड रन करता है fdisk-l, तो क्लियरली आ जाएगा परमिशन डिनाइड, भाई साहब आप नहीं चला सकते, आपके पे स्केल के बाहर की चीज है, छोड़ दीजिए इसको। तो वापस जाते हैं रूट पे। तो दूसरा एक टेम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी सारे कवर नहीं करूंगा वरना शायद आप लोग बोर हो जाएंगे। अभी मैं उतने ही जो हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं अभी उन्हीं डायरेक्टरीज या फोल्डर की बात कर रहा हूं जो इस स्टेज के लिए रेलिवेंट है, पर आपको ये भूलना नहीं है। टेम्प हमारा जो एक फोल्डर होता है वो टेम्परेरी होता है। आपको याद होगा, अगर आपने इंस्टॉलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे ये एक हिंदी वर्ड क्या होगा रिक्वेस्ट का, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको यहां पर पॉज करें या बंद करें और पहले इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखें। तो टेम्प जो है वर्ल्ड राइटेबल है, मतलब कोई भी एम्प्लॉई टेम्प में जाके कुछ भी फाइलें सेव कर सकता है। तो टेम्प वर्ल्ड राइटेबल है, इसीलिए टेम्प को हम अलग से डायरेक्टरी पे माउंट करते थे। तो टेम्प की अपनी कुछ खासियत है कि भाई अगर आपने कोई फाइल जो है 10 दिन से अभी मैंने एक फाइल बना के रख दी, मान लीजिए मैं टेम्प में गया, ठीक है, मैंने टेम्प में एक फाइल जो है क्रिएट कर दी, आलोक, एक आलोक फाइल आ गई, तो टेम्प में तो फाइल रखी रहेगी, ये तो एक फाइल है, चलिए मैंने मूवी कॉपी जो कर दी, मैंने कुछ बड़ी फाइल कॉपी कर दी। तो टेम्प की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने टेम्प में फाइल रखी है और आपने ना तो उस फाइल को खोला है, एक्सेस करा है, ना उसमें कोई चेंजेस करे हैं, ना कुछ मॉडिफाई करा है 10 दिन तक, मतलब 10 दिन हो गए साहब हमने फाइल बना के रख दी है और हम भूल चुके हैं, तो टेम्प के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप वो फाइल हटा देगा। 10 दिन का टाइम होता है, दिमाग बिल्कुल ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि टेम्प के अंदर अगर कुछ भी है और अगर आपने 10 दिन तक उसको एक्सेस नहीं करा है तो वो फाइल अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर देगा, नेस्तनाबूद हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट टाइम 10 दिन का है, कम ज्यादा कर सकते हैं, कैसे करेंगे आगे बात करेंगे, अभी नहीं। और डेव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसको भी जरा क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं कोई बच गया क्या। ठीक है,
और वेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेयर यूएसआर मैंने आपको बताया था बाइनरीज यूएसआर के अंदर होंगी, देखिए ये रहा, और फिर यूएसआर के अंदर फोल्डर बन जाते हैं। एक बार यूएसआर के अंदर जाके देख लेते हैं, ये देखिएगा यूएसआर में बिन है, यूएसआर में एस बिन है, ये शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं, तो ये सब यूएसआर में है। और एक इंपॉर्टेंट फोल्डर है वेयर, वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि वेयर अलग से माउंट नहीं करा जाएगा, वेयर रूट का पार्ट रहेगा। हाँ, वेयर लॉग और वेयर, जैसे वेयर लॉग है, वेयर लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लॉग्स होते हैं आपकी मशीन के अंदर सारे वेयर के अंदर लॉग फोल्डर में जाते हैं, तो वेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग को संभाल के रखना, लॉग खराब नहीं होना चाहिए। लॉग अगर आपका डिलीट हो गया, लॉग चाहे जाने में या अनजाने में, तो नौकरी तक बात आ जाती है कि साहब आपने इंटेंशनली लॉग्स हटाए हैं। तो ये फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एडमिन्स इसका बैकअप लेके रखते हैं। तो मशीन में जितने लॉग्स होते हैं वो सारे यहां पे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फाइल सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, हम इस कोर्स में आगे बात करेंगे, तो अगर मुझे ये लोकेशंस नहीं पता है भाई कौन सी चीज मुझे कहां मिलेगी, तो ट्रबल शूट करना मुश्किल है। कुछ कुछ ऐसा ही है ना भाई, आपके घर में आपको पता है ना कि खाने का सामान कहां पर मिलेगा, तो अगर खाना नहीं मिल रहा है तो किचन में ही जाऊंगा, स्टोर में तो जाऊंगा नहीं या वॉशरूम में तो जाऊंगा नहीं। तो आपको ये चीजें पता होना जरूरी है कि डिफॉल्ट कौन सी जगह पे क्या चीज मिलेगी। और इसका, इस चीज को बिल्कुल कौन से डायरेक्टरी का या फोल्डर का क्या टाइप के कंटेंट जाते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए आगे कोर्स बढ़ने से पहले या आगे हम बात करने से पहले। तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर रहा हूं इस वीडियो को। एक बार मुझे कमेंट में लिखिएगा वीडियो को क्या बोलेंगे यार हिंदी में, वीडियो को क्या बोलेंगे, सोच के बताइएगा। तो जब तक आप लिखिए मैं भी सोचता हूं, और फिर अगली बार आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भगवान आपको सुख शांति दे। गॉड स्पीड को ऐसे बोलेंगे, भगवान आपके साथ रहे। धन्यवाद।